नमस्कार, बहुत स्वागत आपका जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर। मैं हूं आपके साथ ज्योति ठाकुर और शुरुआत करेंगे इस बड़ी और अहम खबर के साथ। हरियाणा का सबसे पहले जिक्र करेंगे जहां के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में फ्लड कंट्रोल बोर्ड की बैठक हुई है। जी हां, फ्लड कंट्रोल बोर्ड की ये अहम बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस बैठक में 494 करोड़ रुपए की 320 नई योजनाओं को पास किया गया। ड्रेन में जाने वाले पानी को दोबारा इस्तेमाल में लाने लायक बनाने पर जोर दिया गया। ये तमाम बातें इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कही हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि 2021 में यमुना के इलाके में बाढ़ नहीं आई, जबकि भिवानी, रोहतक, झज्जर और हिसार में पानी भरा। इन सभी इलाकों का रेवेन्यू विभाग ने अनुमान तैयार कर लिया है और इस बार लगभग 650 करोड़ का मुआवजा बांटा जाएगा। जिन इलाकों में पानी भरता है वहां के लिए खास योजनाएं तैयार की गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पानी की कमी वाले जिलों यानी कि खासतौर पर भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, दादरी में उस पानी का इस्तेमाल किया जा सके, इसके लिए 221 करोड़ रुपए की योजना तैयार की गई है। हिसार और बरवाला में भी जन स्वास्थ्य विभाग की दो योजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बाढ़ के नहीं आने से जो पैसा बचता है उन्हें आगे इस तरीके की योजनाओं पर खर्च किया जाएगा, जिससे वाटर रिचार्जिंग में मदद मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1,00,000 एकड़ जमीन में जहां कृषि योग्य पानी भरा हुआ है उसके लिए एक पोर्टल पर आवेदन को लेकर फैसला किया गया है, जिससे किसानों की वो जमीन कृषि योग्य होगी। प्रदेश के अंदर बोर्ड के द्वारा कुल 320 नई योजनाओं को रखा था और बोर्ड में उन सबको पास कर दिया। 494 करोड़ की ये सब योजनाएं होंगी। एक योजना पानीपत की पहले रिजेक्ट की गई थी, छोटी योजना थी, लेकिन बाद में वो कोई एक विवाद था, उसको समाप्त होने के बाद आज उसको भी जोड़ दिया गया। मात्र वो 16,00,000 रुपए की एक योजना थी। ड्रेन आउट करते थे और बाढ़ आदि की सुरक्षा की दृष्टि से के लिए इस बार उसको पानी को दोबारा से वो करने के लिए रीयूज करने की जो स्कीमें हैं उसको भी विशेष बल दिया गया, ताकि जिस पानी को हम ड्रेन आउट करते हैं वो पानी हमारा ऐसा सूखा क्षेत्र, खास करके भिवानी जिला, दादरी जिला, महेंद्रगढ़ जिला, जिन जिलों में इस पानी को वर्षा के दिनों में भी तालाब और जितने भी वहाँ ड्रेन्स और खेत खाली पड़े हैं उसके अंदर डाल करके रिचार्जिंग के नाते से उपयोग किया जा सकता है। इसकी 221 करोड़ रुपए की ये योजनाएं इस बार अलग से बनाई गई हैं। तो वहीं हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग के नेतृत्व में व्यापारियों ने हिसार में एसडीएम के जरिए राज्यपाल और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें व्यापारियों ने बाजारों को खुला रखने का समय शाम 6 बजे से बढ़ाकर रात 8 बजे तक किए जाने की मांग की है। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने बताया कि व्यापारियों ने शनिवार को इस बाबत फैसला लिया था कि पूरे हरियाणा में ज्ञापन दिए जाएंगे। बजरंग गर्ग का आरोप है कि सरकार कोरोना के नाम पर व्यापारियों को परेशान कर रही है, व्यापारियों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। हरियाणा सरकार द्वारा जो दुकानें खोलने का समय पूरे हरियाणा के अंदर शाम 6 बजे रखा हुआ है, इसके विरोध के अंदर वे दुकानें रात 8 बजे तक खुले उसके लिए आज जिला प्रशासन के माध्यम से राज्यपाल जी के नाम और मुख्यमंत्री नाम ज्ञापन दिया है और पूरे हरियाणा में हर जिले मुख्यालय पर जगह जगह ज्ञापन दिए गए हैं। उधर आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर हरियाणा और उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारियों ने यमुनानगर में एक बैठक की। इस बैठक में उत्तर प्रदेश पुलिस के डीआईजी प्रीतिंदर सिंह भी शामिल हुए। इस दौरान एसपी यमुनानगर, एसएसपी सहारनपुर और एसपी शामली इस बैठक में मौजूद रहे, तो वहीं ऑनलाइन माध्यम से भी दोनों राज्यों के पुलिस अधिकारी इस बैठक में जुड़े। बैठक में सहारनपुर जिले के साथ लगते यमुनानगर में कानून व्यवस्था बनाए रखने पर खास तौर पर चर्चा की गई है। आप सभी लोग जान रहे हैं कि यूपी में 7 फेजेस में इलेक्शन है और भी कई प्रदेशों में इलेक्शन है। इसी को लेकर आज पहले 2 दिन पहले यूपी पुलिस ऑफिसर्स के बीच में और हरियाणा के पुलिस ऑफिसर्स के बीच में सोनीपत में मीटिंग हुई थी,
और आज जो हमारे बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे सहारनपुर है और शामली है और इधर हमारे यमुनानगर, पानीपत और करनाल है, इन सब के ऑफिसर्स की हमारी बॉर्डर मीटिंग हुई थी, क्योंकि फर्स्ट फेज़ में और सेकंड फेज़ में हमारे यहाँ इलेक्शंस हैं बॉर्डर पे, और उन्हीं को लेकर हम सभी ऑफिसर्स ने अपनी बॉर्डर एरियाज के बारे में स्ट्रेटजी बनाई है। मतलब बात करें हिसार की तो यहाँ कोविड प्रोटोकॉल के तहत गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा। 26 जनवरी का कार्यक्रम में शिरकत करने वालों की संख्या भी सीमित रखी जाएगी। गणतंत्र दिवस समारोह की फाइनल रिहर्सल के मौके पर ध्वजारोहण और परेड का निरीक्षण करने के बाद हिसार जिला उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी ने इस बारे में जानकारी दी है। फाइनल रिहर्सल से पहले उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी और DIG बलवान सिंह राणा लघु सचिवालय के नजदीक शहीद स्मारक पर भी पहुंचे, जहां उन्होंने देश के वीर शहीदों को नमन किया। जिला उपायुक्त ने बताया कि कार्यक्रम को लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। हिसार में गणतंत्र दिवस पर होने वाले कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल हिस्सा लेंगे। बता दीजिए कि 26 जनवरी को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं और जिस तरह से कोविड का दौर चल रहा है तो क्या कुछ प्रोटोकॉल जो है इस बार रहेगा? इस बार का रिपब्लिक डे हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ और जो प्रोटोकॉल्स आए हैं और सरकार के जो महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की इंस्ट्रक्शंस हैं उसके तहत बनाने की हमने तैयारियां की हैं, और ये कोशिश की गई है कि जो हम सरकार की इंस्ट्रक्शंस हैं उनका पूर्ण रूप से पालन कर सकें। उधर कुरुक्षेत्र के जयप्रकाश लोकनायक अस्पताल के पूर्व CMO डॉक्टर शैलेंद्र कुमार उर्फ शैली ने कोविड वार्ड में 11 महीने ड्यूटी दिखाई है, लेकिन RTI में खुलासा हुआ है कि इस दौरान उन्होंने एक भी मरीज को नहीं देखा। इस खुलासे से डॉक्टर शैली एक बार फिर सुर्खियों में है। डॉक्टर शैलेंद्र कुमार उर्फ शैली ने जिला अस्पताल में चिकित्सा अधीक्षक बनते ही आइसोलेशन वार्ड में अपनी ड्यूटी लगाई थी। बता दें कि सरकार ने कोरोना काल में आइसोलेशन वार्ड में ड्यूटी करने वाले डॉक्टर्स को दोगुनी सैलरी देने की घोषणा की थी और बताया जा रहा है कि डबल सैलरी लेने की चाह में डॉक्टर शैली ने ऐसा कदम उठाया। इस बाबत CMO डॉक्टर शहारा अग्रवाल ने कहा कि मामला संज्ञान में है, ड्यूटी नहीं की है, अब RTI में जवाब दे दिया गया है, लेकिन अभी RTI कार्यकर्ता की शिकायत नहीं आई, अगर आएगी तो इसकी जाँच करवाकर आगे की कार्रवाई करवाई जाएगी। ये कहना चाहता हूँ, मैंने एक RTI लगाई थी LNJP हॉस्पिटल कुशेत्रा में, इसमें यह खुलासा हुआ डॉक्टर शैलेंद्र सैली ने कोरोना काल के टाइम में अपनी ड्यूटी अपने आप ही कोरोना वार्ड में लगा ली, और ये सरासर गलत है। अपनी सैलरी डबल लेने के चक्कर में इसने अपनी ड्यूटी कोरोना वार्ड में लगा ली और ये सरकार को अपनी अटेंडेंस भेजता रहा, और ये सरासर गलत है। हाँ जी, ये मामला मेरे को पता है और इसके बारे में RTI मांगी गई थी, उसका जवाब हमने दे दिया था। RTI में यही था कि उन्होंने कोई पेशेंट नहीं देखा, डबल सैलरी तो किसी को मिली नहीं। कागज तो बनवाए गए थे ना? हाँ जी।